दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। यूपी की मुस्लिम राजनीति में खासा दखल रखने वाले पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस प्रशासन ने आज अपना शिकंजा कस दिया। आज याकूब कुरैशी की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस व जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया। आज भारी पुलिस बल लेकर यह कार्रवाई की गई। याकूब कुरैशी पिछले लंबे समय से बिना अनुमति हापुड़ रोड पर मीट फैक्ट्री संचालित कर रहा था। 31 मार्च की रात तमाम विभागों की टीम को लेकर प्रशासन ने फैक्ट्री पर छापा मारा था। यहां अनधिकृत रूप से मीट की पैकेजिंग व प्रोसेसिंग हो रही थी। इसके अलावा अनधिकृत निर्माण होने पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने फैक्ट्री को भी सील किया हुआ था। बावजूद इसके वहां ये काम चल रहा था। योगी आदित्यनाथ के दूसरे काल की शुरुआत में दिखे तेवर का यह नतीजा यह रहा कि पुलिस प्रशासन को काफी समय से यूं ही चल रही इस फैक्ट्री पर छापा मारना पड़ा था। यहां से करीब 5 करोड़ रुपए का मीट बरामद किया गया था। पुलिस ने याकूब कुरैशी, उसकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान और मैनेजर मोहित त्यागी समेत 17 आरोपी बनाए थे। छोटे कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि याकूब कुरैशी व उसका परिवार तभी से भूमिगत है। इतना ही नहीं, याकूब के बेटे ने फेसबुक पर इस फरारी के दौरान भी पोस्ट किया था। बावजूद इसके पुलिस इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज पुलिस ने पहले मेरठ के सराय बहली में स्थित घर को कुर्क किया। इसके बाद फैक्ट्री कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में ASP ने यह जानकारी दी। थाना खरकोदा क्षेत्र में एक FIR हुई थी, FIR नंबर 131/22। इसमें अल्फाहिम मीट्स नाम से एक इलीगल तरीके से एक फैक्ट्री चल रही थी मीट प्रोसेसिंग की, उसमें कार्रवाई हुई है। उसी का संबंध में आज कुर्की करी जा रही है। सर कब से फरार है आप? कई महीनों से फरार है। उन्होंने किसी भी तरीके से ना विवेचना में कोई सहयोग दिया था और ना ही उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। एक महीने पहले से भी ज़्यादा इनकी जो है 82 कार्रवाई हुई थी और जो है कोर्ट से जो आदेश मिला है 83 के लिए कुर्की करने के लिए। सर संपत्ति कुल कितनी है और कितने रकम है? ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये भी कई करोड़ों में है इसकी वैल्यू, और इनका जो मीट प्लांट है उसकी 100 करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू है। उसकी भी आज कुर्की करी जाएगी। इनाम इन पर घोषणा करी जाएगी कप्तान साहब के आदेश से। आगे की क्या कार्रवाई जी? पुलिस पूरा प्रयास कर रही है इनको पकड़ने के लिए। नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर कोर्ट से और इनसे आदेश लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।